कि हमारे सभी गुरु यहाँ पे मंच पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और तो चलिए इसके बाद, चूंकि जैसा आदेशानुसार मुझे बताया गया कि प्रमोद धीरे धीरे एक एक करके आप हर गुरुओं को, हर टीचर्स को आप एक एक करके बुलाइएगा, वो अपने अनुभव से हम सबों के बीच अपनी चीजें रखेंगे, किस तरह से उनके पढ़ाने के तरीके हैं, किस तरह से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वो एक एक करके बुलाएंगे। तो सबसे पहले जिनकी एंट्री पे आप सबों ने इतनी जोरदार तालियां बजाई, जिन गुरुओं के नाम पे, उन सभी गुरुओं का कहना है कि मगर परवाह उनकी जो आज देते हैं तुम्हें ताना। बहुत से लोग कहते हैं, गांव घर में सुनोगे आपने, ये कौशी पढ़ेगा, ये तो इधर उधर घूमता है, लेकिन उनको नहीं पता यार पढ़ाई करते थोड़े बहुत, मतलब अगर एग्जाम नहीं हासिल हुआ तो आप लाख भी पढ़ लो डजंट मैटर, सभी लोग आपको कहेंगे नहीं पढ़ता था, ये बात सही है ना। तो सबसे पहली बात हमारे गुरुओं का जो कहना है कि मगर परवाह उनकी जो आज देते हैं तुम्हें ताना, कि मगर परवाह उनकी जो आज देते हैं तुम्हें ताना, झुका देना वो सर जबाएगा तेरा जमाना, मकर परवाह उनकी जवाब देते हैं तुम्हें ताना, झुका देना वो सर जबाएगा तेरा जमाना, और लहरे भले ही बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। और कुछ लोग तो कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, क्योंकि एक खूबसूरत इंसान ने क्या खूब कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। तो इसे शब्दों के साथ जो हमारे अगले गुरु जी हैं, मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे बीच, हमारे राजेश सर जो हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं चाहूंगा राजेश सर को एक बार